भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल में लोग हेल्दी खाने और डाइट से कोसों दूर हैं। लेकिन इन सभी परेशानी के बावजूद कुछ चीजें हैं जो हेल्दी रख सकती हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसबगोल सिर्फ कब्ज दूर करने में ही मददगार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कब्ज के अलावा भी कई बीमारियों के इलाज में फायदेमंद है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, साथ ही फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। इसबगोल को हर उम्र के लोग खा सकते हैं, तो इसलिए जानते हैं इसबगोल के फायदे। कब्ज को ठीक करने के लिए इसबगोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसबगोल में मौजूद फाइबर स्टूल को नरम करता है, जिससे कब्ज दूर होती है, जिससे आंत की गति में सुधार होता है। इसबगोल के हाइग्रोस्कोपिक गुण ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। यह आंतों में एक पतली परत बनाता है जो खाने से कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसबगोल पाउडर को पानी और नींबू के रस में मिलाकर सुबह खाली पेट पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है। दही के साथ इसे मिलाकर खाने से दस्त से राहत मिलती है। इसमें मौजूद फाइबर मल को सख्त करने में मदद करती हैं। पेट में एसिडिटी बनना एक आम समस्या हो गई है। अगर आप इस समस्या से पीड़ित रहते हैं तो इसबगोल आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसबगोल डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जेलेटिन होता है जो शरीर में ग्लूकोज के टूटने का और अवशोषण को स्लो कर देता है। डाइट में फाइबर से भरपूर चीजों को खाने से इंसुलिन और ब्लड शुगर लेवल कम होता है। बवासीर और फिशर होने की सबसे मुख्य वजह कब्ज ही है। खाना ठीक से ना पचने और मल त्याग में कठिनाई होने के कारण ही गुदे के पास आसपास की नसें सूज जाती हैं और बवासीर यानी पाइल्स की समस्या होती है। अगर आप इसबगोल का सेवन कर रही हैं, तो यह आपके मल में पानी की मात्रा बढ़ाकर उसे और नरम बना देती है, जिससे मल त्याग करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो एक गिलास गुनगुने पानी में एक से दो चम्मच इसबगोल मिलाएं और रात में खाना खाने के एक घंटे के बाद इसका सेवन करें। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो एक बार डॉक्टर से बात करके ही इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी थोड़ी सी इसबगोल के बारे में। अगर आप इसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में। राधे राधे।